क्या आपके तरबूज में एरिथ्रोसिन की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। तरबूज को दो टुकड़ों में काटें। रुई का एक टुकड़ा लें और इसे तरबूज के भीतरी रसीले हिस्से पर रगड़ें। गैर मिलावटी तरबूज पर रगड़े गए टुकड़े का रंग नहीं बदलेगा। मिलावटी तरबूज पर रगड़ा गया रुई का टुकड़ा लाल हो जाएगा। क्या आपकी हल्दी में लेड क्रोमेट मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। साबुत हल्दी के कुछ टुकड़े गिलास के पानी में डालें। यदि हल्दी गैर मिलावटी है तो घोल का रंग नहीं बदलेगा। मिलावटी हल्दी के साथ पानी का रंग बदलेगा और ये गहरे पीले रंग का हो जाएगा। क्या आपके दूध में पानी मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। कांच की साफ स्लाइड या प्लेट लें। धीरे धीरे दूध सैंपल का 1 या 2 मिलीलीटर इस स्लाइड या प्लेट पर लंबवत डालें। यदि दूध सफेद लकीर छोड़ते हुए धीमे से बहता है तो वो शुद्ध है, लेकिन यदि बूंदें तेजी से बह जाती हैं बिना कोई निशान छोड़े तो उसमें पानी की मिलावट है। क्या आपके नमक में चौक की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। गिलास में थोड़ा पानी लें और उसमें नमक मिलाकर अच्छी तरह चलाएं। बिना मिलावट वाला नमक पानी में पूरी तरह घुल जाएगा। गिलास में कोई तलछट नहीं बचेगी। मिलावटी नमक से पानी हल्का सफेद हो जाएगा और कुछ अशुद्धियां गिलास में नीचे नजर आएंगी। क्या आपकी हरी सब्जियां जैसे भिंडी में मेलाकाइट ग्रीन की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। रुई का एक टुकड़ा लें, तरल पैराफिन में भिगोकर इसे भिंडी की बाहरी हरी सतह के छोटे हिस्से पर रगड़ें या थपके। रुई का रंग नहीं बदलेगा, लेकिन यदि मिलावट है तो ये हरा हो जाएगा। क्या आपके आयोडीन नमक में साधारण नमक मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक आलू लेकर 2 टुकड़ों में काट लें। नमक के नमूनों को दोनों सतहों पर लगाएं और 1 मिनट इंतजार करें। दोनों नमूनों पर नींबू के रस की 2 बूंदें डालें। डबल फोर्टिफाइड नमक से आलू का रंग नहीं बदलेगा, जबकि मिलावटी आयोडीन नमक से आलू नीला हो जाएगा। क्या आपके नारियल तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। किसी पात्र में थोड़ा नारियल तेल लें। इसे रेफ्रिजरेटर में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में रख दें और 60 से 90 मिनट तक प्रतीक्षा करें। नारियल तेल का स्वरूप नहीं बदलेगा, जबकि मिलावटी तेल में जमने के बाद ऊपर एक अलग परत आ जाएगी, जो विभिन्न तेलों के अलग अलग जमाव बिंदु के कारण है।
क्या आपके दूध में स्टार्च यानी मांड मिलाया गया है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 2 से 3 मिलीलीटर सैंपल दूध को 5 मिलीलीटर पानी के साथ उबालें और उसे ठंडा होने दें। अब इसमें 2 या 3 मिलीलीटर आयोडीन घोल डालें। शुद्ध दूध का रंग नहीं बदलेगा, जबकि स्टार्च या मांड मिला दूध नीला हो जाएगा। क्या आपके गेहूं के आटे में ज्यादा भूसी मिली है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। गिलास में पानी लें और 1 चम्मच गेहूं का आटा पानी की सतह पर छिड़क दें। आटा गैर मिलावटी होगा तो भूसी के कुछ कण पानी पर तैरते मिलेंगे, जबकि मिलावटी आटा होने पर बहुत सारे भूसी कण पानी की सतह पर दिखेंगे। क्या आपके खाद्यान्न में रंग की मिलावट की गई है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 1 गिलास पानी लें, उसमें 2 चम्मच अनाज के दाने मिलाएं और अच्छी तरह चलाएं। गैर मिलावटी अनाज वाले पानी का रंग नहीं बदलेगा, जबकि मिलावटी अनाज के पानी का रंग बदल जाएगा। क्या आपके पिसे मसालों में लकड़ी का बुरादा या बारीक भूसी मिली है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ा पिसा मसाला और 1 गिलास पानी लें। पिसे हुए मसाले को पानी की सतह पर छिड़कें। बिना मिलावट वाला मसाला सैंपल पूरी तरह पानी में घुल जाएगा और सतह पर कोई अशुद्धि नहीं बचेगी, जबकि मिलावटी मसाला पानी की सतह पर अशुद्धियों के निशान छोड़ेगा। क्या आपके सेला चावल में हल्दी मिलाई गई है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। शीशे की 1 प्लेट लें और उस पर थोड़ा सेला चावल रखें। उसके बाद थोड़ा सा भिगोया हुआ चूना चावल के दानों पर डालें। गैर मिलावटी चावल पर चूने के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। मिलावटी चावल पर चूने का रंग बदल कर लाल हो जाएगा। क्या आपके भुने चावल में यूरिया की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। भुने चावल यानी मुरमुरे के 30 दाने एक परख नली में लें। अब 5 मिलीलीटर पानी परख नली में डालें। इसके बाद चाय के 1/2 चम्मच के बराबर सोयाबीन या अरहर दाल पाउडर इसमें मिला लें। अब परख नली को अच्छी तरह से हिलाएं। 5 मिनट बाद 1 लाल लिटमस पत्र इसमें डुबोएं। 1/2 मिनट बाद लिटमस पत्र को परख नली से बाहर निकाल लें। गैर मिलावटी चावल के मिश्रण में लिटमस पत्र के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि लाल लिटमस पत्र मिलावटी चावल के मिश्रण में नीला हो जाएगा। क्या आपकी हींग में स्टार्च यानी मांड मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 1 गिलास पानी लें, इसमें लगभग 1 ग्राम हींग मिला लें। अब 0.5 मिलीलीटर आयोडीन घोल इस मिश्रण में डालें।
यदि पानी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हींग शुद्ध है। यदि पानी में नीली धारी सी आ जाती है तो हींग में स्टार्च यानी मांड मिला है। क्या आपकी हींग में शैल खटी यानी साबुन पत्थर या मृदा अंश मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक गिलास गर्म पानी लें और इसमें चाय के एक चम्मच के बराबर हींग मिला लें। अब गुनगुने पानी और हींग के मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं और स्थिर होने दें। गौर से देखें गिलास में तलछट है या नहीं। यदि कोई तलछट नहीं है तो हींग शुद्ध है। यदि तलछट है तो हींग में साबुन पत्थर या मृदा अंश मिला है। क्या आपके पिसे मसाले में स्टार्च यानी मांड की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। पिसे मसाले का सैंपल एक पेट्री डिश में लें और इसमें 0.5 मिलीलीटर आयोडीन घोल मिलाएं। गैर मिलावटी मसाले का रंग नहीं बदलेगा, जबकि मसाले में मिलावट होने पर इसके कुछ हिस्सों का रंग बदलकर नीला हो जाएगा। क्या आपके दूध में डिटर्जेंट की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 5 मिलीलीटर से 10 मिलीलीटर दूध का सैंपल लें और इसे तेजी से हिलाएं। यदि दूध में बुलबुला नहीं बनता है तो इसमें मिलावट नहीं है। डिटर्जेंट की मिलावट होने पर बुलबुला बनेगा। क्या आपकी काली मिर्च में पपीते के बीज मिले हैं? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ी काली मिर्च लें। एक गिलास पानी लेकर उसमें काली मिर्च डाल दें। बिना मिलावट वाली काली मिर्च गिलास के पानी में पूरी तरह नीचे बैठ जाएगी, जबकि काली मिर्च में मिलाए गए पपीते के बीज पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। क्या आपके केसर में मक्के की सूखी बालियां मिलाई गई हैं? चलिए एक आसान जांच करते हैं। शीशे के एक जार में 70 से 80 डिग्री तक गर्म किया हुआ पानी लें। इसमें केसर की कुछ लड़ियां डाल दें। बिना मिलावट वाला केसर धीरे धीरे पानी में विशेष केसरी रंग छोड़ेगा, जबकि मिलावटी केसर तुरंत रंग छोड़ देगा। क्या आपके दूध में स्टार्च यानी मांड की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 10 मिलीलीटर दूध एक बर्तन में लें। इसमें थोड़ा पानी मिलाएं। अब इसे अच्छी तरह हिलाएं। झाग की एक पतली परत बिना मिलावट वाले दूध में बनेगी, जबकि झाग की मोटी परत स्टार्च यानी मांड मिले दूध में नजर आएगी।
क्या आपकी चाय पत्ती में इस्तेमाल हो चुकी पत्तियां मिलाई गई हैं? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक फिल्टर पेपर लें। चाय की कुछ पत्तियां फिल्टर पेपर के बीच में रखें। इसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी डालें। रंग की धारियां फिल्टर पेपर पर नहीं पड़ती हैं, तो चाय पत्ती मिलावटी नहीं है। मिलावटी चाय पत्तियों से फिल्टर पेपर पर काली भूरी धारियां पड़ जाएंगी। क्या आपकी चाय पत्ती में लोहे की बारीक कतरनें मिली हैं? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ी सी चाय पत्ती शीशे की प्लेट में लें। चाय पत्ती पर एक चुंबक फिराएं। गैर मिलावटी पत्तियों पर चुंबक में लोहे की कोई कतरन नहीं चिपकेगी, जबकि मिलावटी चाय पत्ती पर फिराए गए चुंबक में लोहे की कतरनें चिपक जाएंगी। क्या आपके तेल में ट्राई ऑर्थो क्रिसिल फॉस्फेट की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 2 मिलीलीटर तेल किसी पात्र में लें। अब इसमें थोड़ा पीला मक्खन मिला दें। बिना मिलावट वाले तेल में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि मिलावटी तेल तुरंत रंग बदलेगा और लाल हो जाएगा। क्या आपके दूध में यूरिया मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। चाय के 1 चम्मच के बराबर दूध एक परख नली में लें। अब चाय के 1/2 चम्मच के बराबर सोयाबीन या अरहर दाल पाउडर इसमें मिला लें और परख नली को अच्छी तरह हिलाएं। 5 मिनट बाद एक लाल लिटमस पत्र इस मिश्रण में डुबोएं। 0.5 मिनट तक रुककर लिटमस पत्र को टेस्ट ट्यूब से बाहर निकाल लें। गैर मिलावटी दूध में डुबोए गए लिटमस पत्र के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि लाल लिटमस पत्र यूरिया मिले दूध में नीला हो जाएगा। क्या आपके घी में स्टार्च यानी मांड स्रोतों की मिलावट है, जैसे उबले मसले आलू, शकरकंद इत्यादि की? चलिए एक आसान जांच करते हैं। चाय के 0.5 चम्मच के बराबर घी शीशे के एक पारदर्शी बर्तन में लें। इसमें आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिला दें। गैर मिलावटी घी के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, मिलावटी घी का रंग बदलकर नीला हो जाएगा। क्या आपके मक्खन में स्टार्च यानी मांड की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ा पानी शीशे के एक पारदर्शी बर्तन में लें। इसमें चाय के 0.5 चम्मच के बराबर मक्खन मिलाएं। बर्तन में 2-3 बूंद आयोडीन घोल डालें। रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि मक्खन में मिलावट नहीं है। मिलावटी मक्खन के मिश्रण का रंग बदलकर नीला हो जाएगा। क्या आपके अनाज में बाहरी चीजों की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ा अनाज शीशे के एक प्लेट में लें। इस सैंपल को गौर से देखें। गैर मिलावटी अनाज में उसके वजन के 1% से अधिक बाहरी चीजों की मिलावट नहीं होगी, जबकि मिलावटी अनाज में ढेर सारी बाहरी चीजें मिली होंगी।
क्या आपके अनाज में धतूरा मिलाया गया है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। शीशे के एक प्लेट में थोड़ा सा अनाज ले लें। इसे गौर से देखकर फैले किनारों वाले काले भूरे बीजों की पहचान करें, जिसे धतूरा कहा जाता है। बिना मिलावट वाले अनाज में धतूरे के बीज नहीं होंगे। मिलावटी अनाज में ही धतूरे के बीज मिलेंगे। क्या आपकी अरहर यानी तुअर दाल में खेसारी दाल की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ी सी दाल शीशे की प्लेट में लें। गौर से इसमें मिले खेसारी दाल की पहचान करें, जो कुछ चौकोर सा होता है और इसके खुरदुरे किनारे एक तरफ मुड़े होते हैं। बिना मिलावट वाली अरहर में खेसारी दाल नहीं होगा। मिलावटी अरहर में खेसारी दाल के टुकड़े होंगे, जिसे गौर से देखकर ही अलग किया जा सकता है। क्या आपकी चाय पत्ती में इस्तेमाल हो चुकी पत्तियां मिली हैं? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक फिल्टर पेपर लें। अपनी चाय पत्ती इस पर फैला दें। पानी छिड़क कर फिल्टर पेपर को भिगो लें। अब फिल्टर पेपर को नल के पानी में धो लें। इसके बाद इस पर आए दागों को रोशनी में देखें। चाय की पत्ती में मिलावट नहीं होने पर फिल्टर पेपर पर कोई भी दाग नहीं पड़ेगा, जबकि मिलावटी चाय पत्ती से फिल्टर पेपर पर काले भूरे रंग का निशान पड़ेगा। क्या आपके सरसों में आर्गिमोन बीजों की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़े से सरसों के दाने शीशे की एक प्लेट में लें। गौर से देखकर रूखे खुरदुरे सतह वाले काले बीजों की पहचान करें। शुद्ध सरसों के दानों का रंग और बाहरी सतह चिकनी होती है। आर्गिमोन वाले मिलावटी सरसों के बीज रूखी खुरदुरी सतह वाले होते हैं और रंग में काले होते हैं। क्या आपके जीरे में कोयले के चूरे से रंगे घास के बीजों की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ा सा जीरा अपनी हथेली पर लें और इसे रगड़ें। अब गौर से देखें कि हथेली पर काला रंग तो नहीं आया। यदि जीरे में मिलावट नहीं है तो हथेली पर कोई रंग नहीं आएगा, जबकि मिलावटी जीरा हथेली पर काला रंग छोड़ेगा। क्या आपकी दालचीनी में कासिया छाल की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ी मात्रा में दालचीनी एक शीशे की प्लेट में लें। गौर से दालचीनी को परखें। गैर मिलावटी दालचीनी बहुत ही पतली होती है और इसे लपेटा जा सकता है। मिलावटी दालचीनी में बाहरी खुरदुरी और बिल्कुल भीतरी चिकनी परत के बीच कई परतें होती हैं। क्या आपकी लौंग में इस्तेमाल हो चुका लौंग मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक गिलास पानी लें। इसमें सैंपल लौंग डाल दें। गैर मिलावटी लौंग गिलास के तल में आकर बैठ जाएगा, जबकि मिलावटी लौंग, जिसे स्रावित कर तेल निकाला जा चुका है, पानी की सतह पर आ जाएगा।
क्या आपकी काली मिर्च में ब्लैकबेरी की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च लें और इसे एक टेबल पर रखें। अब इन्हें उंगलियों से दबाएं। असली काली मिर्च आसानी से नहीं टूटेगी, जबकि मिलावटी काली अंचियां आसानी से टूट जाएंगी। स्पष्ट है कि हल्के काले रंग की अंचियां काली मिर्च में मिलाई गई हैं। क्या आपके मिर्च पाउडर में कृत्रिम या पानी में घुलनशील रंग मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। गिलास में पानी लें और उसकी सतह पर कुछ मिर्च पाउडर छिड़क दें। गैर मिलावटी मिर्च पाउडर पानी की सतह पर कुछ देर के लिए ठहरेगा और धीरे धीरे तल में बैठेगा बिना कोई रंगीन धारी छोड़े। मिलावटी मिर्च पाउडर से रंगीन धारियां पड़ेंगी जो तुरंत पानी में उतरती जाएंगी। क्या आपके आटा या मैदा में बालू, मिट्टी, कीड़े जैसी बाहरी चीजें हैं? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ा सा आटा शीशे के एक पात्र में लें। बारीकी से देखें कि उसमें कोई अवांछित चीज तो नहीं मिली है। गैर मिलावटी आटा या मैदे में बालू, मिट्टी, कीड़े जैसी कोई अवांछित चीज नहीं होगी। मिलावटी आटा या मैदे में बालू, मिट्टी, कीट और कभी कभी रोडेंट हेयर, चूहे, गिलहरी आदि के बाल मिलते हैं। क्या आपकी हरी सब्जियों में मैलाकाइट ग्रीन की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ी मात्रा में हरी सब्जियां लें। नमी युक्त एक सफेद ब्लॉटिंग पेपर का टुकड़ा लें। हरी सब्जियों को इस ब्लॉटिंग पेपर पर रख दें। गैर मिलावटी सब्जियों से ब्लॉटिंग पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि मिलावटी सब्जियों से ब्लॉटिंग पेपर पर हरा रंग आ जाएगा। क्या आपकी काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक सफेद कागज लें। इस पर कुछ काली मिर्च फैला दें। अब इस सैंपल का रूप रंग एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें। गैर मिलावटी काली मिर्च खुरदुरी सतह के साथ भूरी नजर आएगी। उसकी एक अलग गंध और तीखा स्वाद होगा। मिलावटी बीज चिकनी सतह के साथ सिकुड़ा और अंडाकार नजर आएगा। इसका रंग कुछ हरापन लिए भूरा या काला भूरा होगा। क्या आपके हींग में किसी बाहरी रेजिन की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में सैंपल हींग एक चम्मच में लें। अब धीरे से इस चम्मच को लौ पर रखें। यदि हींग कपूर की तरह चमकीली लौ के साथ जलता है तो ये शुद्ध है। यदि ये तेज लौ से नहीं जलता तो संकेत है कि इसमें बाहरी रेजिन मिला है। क्या आपके शकरकंद में रोडोमाइन बी की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। पानी या वनस्पति तेल में भिगोया रुई का एक टुकड़ा लें। अब एक शकरकंद लें और उसकी बाहरी सतह को इस रुई के टुकड़े से रगड़ें। रुई के टुकड़े का रंग गैर मिलावटी शकरकंद पर नहीं बदलेगा।
मिलावटी शकरकंद पर रगड़ा गया रुई का टुकड़ा लाल बैंगनी सा हो जाएगा। क्या आपकी हरी मटर में कृत्रिम रंग मिलाया गया है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। शीशे के पारदर्शी पात्र में थोड़ी हरी मटर लें, इसमें पानी डालें और अच्छी तरह मिलाकर आधे घंटे तक इंतजार करें। गैर मिलावटी मटर कोई रंग नहीं छोड़ेगा। कृत्रिम रंग की मिलावट वाली हरी मटर का पानी हरा हो जाएगा। क्या आपकी चीनी में चौक की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 2 गिलासों में पानी लें, इनमें 10 ग्राम चीनी मिलाएं और अच्छी तरह चलाएं। गैर मिलावटी चीनी पूरी तरह पानी में घुल जाएगी और गिलास में कोई तलछट नहीं रहेगी। मिलावटी चीनी से गिलास में कुछ अशुद्धियां तलछट में रहेंगी। क्या आपकी हल्दी में कृत्रिम रंग मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 1 गिलास पानी लें, इस पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें। गैर मिलावटी हल्दी पानी को हल्का पीला कर देगी और गिलास के तल में बैठ जाएगी। मिलावटी हल्दी से घोल का रंग बदलकर तेज पीला हो जाएगा। क्या आपके शहद में चीनी की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। 1 गिलास में थोड़ा पानी लें, इसमें शहद की कुछ बूंदें डालें। यदि शहद पानी में नहीं फैलता है और नीचे बैठ जाता है तो ये शुद्ध है। मिलावटी शहद पानी में फैल जाएगा। क्या आपकी रागी में रोडेमाइन की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। पानी या वनस्पति तेल में भिगोया रुई का एक टुकड़ा लें। एक पात्र में रागी लें और इसकी बाहरी सतह को रुई के टुकड़े से रगड़ें। गैर मिलावटी रागी से रुई के टुकड़े पर कोई रंग नहीं आएगा। मिलावटी रागी पर रगड़ा गया रुई का टुकड़ा लाल हो जाएगा। क्या आपके केसर में मक्के की सूखी बालियां मिली हैं? चलिए एक आसान जांच करते हैं। केसर के सैंपल को एक प्लेट में रखें। अब केसर की लड़ी को उंगलियों के बीच में रखें। यदि कोई रंग नहीं लगता है और लड़ी आसानी से नहीं टूटती है तो केसर गैर मिलावटी है। मिलावटी केसर आसानी से टूट जाएगा और उंगलियों पर रंग भी आ जाएगा। क्या अंडा अच्छी गुणवत्ता का है? आइए तैराने वाली जांच करते हैं। पानी से भरा एक बर्तन लें, इसमें अंडे को डाल दें।
अब ध्यान से अंडे की स्थिति देखें। यदि अंडा ताजा होगा तो ये पानी में चौड़ाई में स्थिर हो जाएगा। यदि ये पुराना है तो तले में एक सिरे के बल खड़ा हो जाएगा। यदि बिल्कुल खराब है तो ये पानी की सतह पर तैरेगा। क्या आपके हल्दी पाउडर में पीली मिट्टी मिली है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक गिलास में पानी लें। इसमें चाय के एक चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर डाल दें। अच्छी तरह हिलाएं और कुछ समय तक स्थिर होने दें। गैर मिलावटी हल्दी पाउडर पानी में पूरी तरह घुल जाएगा और पानी का रंग हल्का पीला हो जाएगा। मिलावटी हल्दी पाउडर से गिलास के तल में पीली मिट्टी बैठ जाएगी। क्या आपके मिर्च पाउडर में ईंट या नमक या टैल्क पाउडर की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक गिलास पानी लें। इसमें चाय के एक चम्मच के बराबर मिर्च पाउडर डालें। अवशेष की जांच करें। अवशेष में से थोड़ी सी मात्रा लें और अपने हाथ पर रगड़ें। यदि रगड़ने के बाद किरकिरापन सा महसूस होता है तो मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा या बालू मिला है। यदि अवशेष साबुन सा चिकना महसूस होता है तो इसमें शैल खटी या साबुन पत्थर मिलाया गया है। क्या आपके दूध में माल्टोडेक्सट्रिन मिला है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। सैंपल के तौर पर 5 मिलीलीटर दूध लें। इसमें 2 मिलीलीटर आयोडीन रिएजेंट मिलाएं। अच्छी तरह हिलाएं और रंग में बदलाव पर गौर करें। गैर मिलावटी दूध के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा और ये हल्का पीलापन लिए भूरा होगा। मिलावटी दूध का रंग चॉकलेटी लाली लिए भूरा हो जाएगा। क्या आपके दूध में अम्लता बढ़ गई है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक परख नली में सैंपल के तौर पर 5 मिलीलीटर दूध लेते हैं। इसे उबलते पानी पर 5 मिनट तक रखते हैं। अब हिलाए बिना परख नली को गर्म पानी से हटा लेते हैं। गैर अम्लीय दूध में कोई भी गंध या प्रक्षेपित अंश नहीं आएगा। मिलावटी दूध में प्रक्षेपित अंश अलग हो जाएगा और खट्टी गंध आएगी। क्या आपकी ब्रेड में फफूंद है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। ब्रेड लें और गौर से देखें कि इसकी सतह पर कोई हरा, सफेद या नीला धब्बा तो नहीं है। ताजे ब्रेड पर कोई भी धब्बा नहीं मिलेगा, जबकि फफूंदी वाले ब्रेड पर आम तौर पर हरा धब्बा नजर आएगा। क्या आपके चावल में खोखले दानों की मिलावट है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। थोड़ा सा चावल लें, इसे गौर से देखें। यदि खोखली गुठलियां नहीं है तो इसका मतलब है चावल गैर मिलावटी है। मिलावटी चावल में कालापन लिए बेजान से खोखले दाने मिलेंगे, जिनसे मछली जैसी गंध आएगी। क्या अंडा उत्तम गुणवत्ता का है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। एक अंडा लें और उसे समतल सतह पर फोड़ें। टूटे अंडे को गौर से देखें।
यदि उसकी जर्दी गोल छोटी है और गाढ़ी या जेल जैसी सफेदी के ऊपर स्थित है तो अंडा ताजा है। ऐसे अंडे की जेल जैसी सफेदी फैलेगी नहीं। यदि सफेदी पतली है, फैलने वाली है और आसानी से अंडे की जर्दी में मिल जाती है तो अंडा पुराना या खराब है। क्या आपके पैक खाने में पफिंग या खराबी आ गई है? चलिए एक आसान जांच करते हैं। पैक किया हुआ खाना लें और इसमें किसी पफिंग या उभार या खराबी की गौर से जांच करें। यदि कोई पफिंग या खराबी या रिसाव नहीं है तो पैक भोजन खरीदने या रखने के लिए सुरक्षित है। अगर पफिंग या खराबी या लीकेज है तो पैक खाना उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है।